आखिर सीमांचल का 40 साल से चल रहा बनवास खत्म हो गया। जी हाँ, सीमांचल, वही बुजुर्ग जो 40 साल पहले अपने परिवार से बिछुड़ गए थे। अब 40 साल बाद जब सीमांचल अपने परिवार से मिले तो उनके परिजनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। परिवार को यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि वो जिंदा होंगे। सीमांचल के भाई का परिवार उनसे मिलने बुरहानपुर पहुंचा। ये पल देखकर हर कोई भावुक हो गया था। कहानी है 40 साल पहले परिवार से बिछड़े सीमांचल भरत महापात्र की, जो भुवनेश्वर के पास छोटे से कस्बे टिकरपाड़ा में रहते थे। लंबे समय से बुरहानपुर में दिन काट रहे सीमांचल को रोटी बैंक के द्वारा अपने परिवार से मिलने का मौका मिला। इस कड़ी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कपड़ा व्यापारी ओम प्रकाश और देवकी नंदन सोनी ने, जो कटक निवासी उनकी बहन लक्ष्मी देवी के नाम पर दान देने रोटी बैंक पहुंचे थे। तभी रोटी बैंक के मैनेजर संजय शिंदे से उन्हें इस बुजुर्ग सीमांचल की पूरी कहानी पता चली। तब व्यापारी भाइयों के प्रयास से इस बुजुर्ग के भाई को ढूंढ निकाला गया। तो महापात्र जी है, 40 साल पहले गलती से यहाँ पे ट्रेन से आ गए थे, इसके लिए इनको यहाँ के बुरहानपुर के जो लोगों ने वास्तव में खाना पीना और जो भी कुछ है बहुत प्यार दिया है। और विशेषकर जो हमारे शिंदे जी और एक सोनी जी और एक कौन का नाम है, हमारे कटक में मुख्य किरदार जो है कमल राठी जी, ये सब मिलाने में इन लोगों का बहुत अहम रोल है। और वास्तव में जब व्यक्ति कहीं एक महीने जाता है तो उन्हें कितना अपने परिवार में आता तो खुशी होती है। तो ये तो महापात्र जी 40 साल बाद अपने गृहनगर में जा रहे हैं और इनको मिलाने में जिन लोगों ने भी अपना सहयोग दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपने गृहनगर जा रहे हैं, सुखी स्वस्थ और शांत रहें। और परिवार को उड़ीसा से बुरहानपुर बुलाया। इस मौके पर महेश्वरी समाज ने 10,000 रुपये नगद, किशोरवाणी ने 3,000 रुपये और मोबाइल, कपड़े, मिठाई, नमकीन और प्रशासन की तरफ से वॉकर, स्टिकर बुजुर्ग को प्रदान की गई। परिवार वालों के मिलन का ये पल सभी के जहन में हमेशा के लिए उतर गया और बुजुर्ग परिवार के साथ अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गया। मौके पर मौजूद SDM काशीराम बडोले ने लेने आए भतीजों से वीडियो कॉल पर बुजुर्ग के परिवार से भी बात करवाई और इस बात से संतुष्ट हो गए कि वे परिवार बुजुर्ग का ही है। घर जा रहे हो, आप कैसा लग रहा है आपको? खुश लग रहा। कितने दिन से आप बुरहानपुर रह रहे थे? 40 साल लगे। कौन लेना आया आप आपको? भतीजा। नाम पूछ रहा है। क्या नाम है? गुड्डू। और आपका? आपका क्या नाम है? नाम सीमांचल। कहाँ के रहने वाले हो आप? उड़ीसा। वीडियो कॉल पर बुजुर्ग ने सभी को पहचाना। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।